भावनाओं को हम अपने ऊपर जब हावी नहीं होने देते तो भावनाएं हमको कुछ कष्ट नहीं दे सकती। तो भाव पार जाने का अर्थ क्या हुआ? भावनाओं से छूट जाना। अभी क्या है, किसी का मन भावना जुड़ गई, यहाँ कोई कोई है जिनका नाम ही भावना होता है। एक पीछे कोई आया, वो लड़की का नाम चाहत में ले कर लो बात, हम तो चाहत मिटाने की बात करते रहते, तुम्हारा नाम चाहत ही रखती है, ये क्या किया घर वालों ने। ऐसे ही नाम होते आशा, नहीं तो निराशा ही रख लो, क्योंकि आशा के बाद तो निराशा ही है ना, पूरी नहीं हुई तो निराशा ही तो होगी। एक सज्जन मुझे ताइवान में मिले, उनका नाम लक्ष्मीदास। मैंने कहा ये भी कोई नाम होता है लक्ष्मीदास, होना हो तो विष्णु का दास हो, भगवान का दास हो, तो ये तुमने क्या, ये तुम्हारे माँ बाप ने नाम क्या रखा? अब माँ बाप के मन में लक्ष्मी, पैसा ही पैसा तो सब कुछ होता है आम दुनियादार लोगों के लिए, कह रहे अच्छा तो आप मेरे को नाम दे दीजिए। मैंने कहा अब हम नाम क्या दें, बट चलो आनी, उनका नाम दौलत राम था, हाँ नाम ही ये था दौलत राम सिंधी। मैं बड़ी साई के नाम रखा तूने, के मैं नहीं रखा, मेरे माँ बाप रखा, मैं तुम्हारे माँ बाप को जरा भी समझ नहीं थी, कोई नाम है तो बोले आप कहिए। मैंने कहा तुमको कौन प्रिय लगता है, भगवत स्वरूपों में कौन प्रिय? बोले मुझे तो श्री कृष्ण से बहुत भाव है। मैं बस फिर ठीक, हम तो तुम्हें कृष्ण ही बुलाएंगे, ये कोई नाम होता लक्ष्मीदास, लक्ष्मीकांता, हाँ आशा, खजान सिंह, पंजाब में चलता है ये नाम खजान सिंह, खजानवंती नाम ही ये रख देते हैं उसका। इच्छाएं बांधती हैं, इच्छाएं इसलिए उठती हैं क्योंकि तुमको अंदर परमानंद नहीं मिला, परमानंद इसलिए नहीं मिला क्योंकि मन तुम्हारा बार भटकता रहता है, संसार को सच समझता है। संसार तो सच है नहीं, इसीलिए कहा मन की इच्छा सभी त्यागे छाड़े विषय विकारा, विषय विकार है, विकार मतलब बीमारी, डिजीज। व्हाट इज डिजीज विच टेक्स अवे योर ईज इज डिजीज। ईज मतलब कंफर्ट, डिजीज मतलब अनकंफर्टेबल, डिस्कम्फर्ट। नाउ विषय विकार डिजीजेज हैं, कैसे यूं सुनो, आपको बहुत बढ़िया खाना खिलाया जाए, थाली भर के पूरी कचौड़ी जलेबी ये वो खूब सामान और जो भी तुम्हें पसंद है ना, लोगों को सब खराब चीज़ें ही पसंद होती है, आइसक्रीम शेक मिल्क शेक, हाँ ये सब खूब सारा बढ़िया बढ़िया तुमको सामान दिया जाए, कितना मज़ा आएगा तुम्हें खा के, जीभ बड़ी खुश होगी, मन बड़ा खुश होगा, पर बाद में कौन रोएगा तुम्हारा पेट? दिस इज राइट, खट्टी चीज और मीठी चीज कभी एक साथ नहीं होनी चाहिए, एल्कलाइन एंड एसिडिक थिंग्स शुड नेवर गो बी टेकन टुगेदर। जैसे आप दही खा रहे हैं और दूध भी पी रहे हैं, गलत। आप दूध में आम डाल के पी रहे हैं और गलत। और ये जितने आजकल शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, मैंगो शेक, जितने शेक एसिड एंड अल्कलाइन इकट्ठे हो गए, दैट विल डिस्टर्ब योर डाइजेस्टिव सिस्टम। जितना ठंडा बर्फ का खाना है उसको खाते रहने से शरीर में शोथ इन्फ्लेमेशन आती। भोजन स्वादी हो, खूब सारा खाओ, तुम कहते हो मजे आए, मजे आए कि बीमारी आई? पुराना बासी ठंडा बेमौसमी भोजन खाता रहे बीमारी आती। विषय, भोजन क्या है? विषय।
बहुत अधिक सेवन करे विकार उत्पन्न होता है, माने बीमारी आती है। लोगों को मैं देखती हूं रात का समय है और दही खा रहे होते, कौन समझाए इनको? रात में दही खाता रहेगा पित्त विकृत होगा, पित्त विकृत होगा चमड़ी के रोग होंगे, लीवर का रोग होगा, आंखों के रोग होंगे, मस्तिष्क के रोग होंगे, सूजन शरीर में आएगी, वाटर रिटेंशन होगा, एडिमा होगा। बर्फ का पानी महिलाएं अगर पीती रहेंगी ऑस्टियोपोरोसिस और जल्दी होगा, हड्डियां कमजोर पड़ेंगी। अब चीजें जितनी स्वाद लगती है वो सब स्वाद चीजों का जो साइड का इफेक्ट होता है वो समझ नहीं होती ना, तो खाली शक्ल देख देख के खा रहा होता है, माने है तो वो जहर पर स्वाद ही बड़ा लगता है, अरे कोई बात नहीं देखी जाएगी, मूर्ता है ना, दिस इज कॉल्ड स्टूपिडिटी। आंखों से अधिक देखने से अति योग, उसको हम कहते हैं अति योग, अति मैंने टू मच, योग मैंने यूजेज, व्हेन यू यूज योर आईज टू मच इट विल हर्ट। डीजे का बहुत लाउड वॉल्यूम का गाना सुनता रहे और घंटों कान में हेडफोन्स लगा करके ऊंचा गाना सुनता रहे, आपकी सुनने की शक्ति कम होने लग जाएगी। लाउड साउंड्स, आपने कभी नोट किया हो, जो लोग साउंड इंजीनियर होते हैं अगर किसी को जानते हो, और बहुत लाउड एम्पलीफाइड साउंड होता है, इतने बड़े स्पीकर होते हैं मिक्सिंग मास्टरिंग के समय पर, और लंबी देर तक उसको सुनते रहने के बाद उनके कान कम सुनने लग जाते। अति योग, यूजिंग योर सेंसेस टू मच will reduce the capacity of your senses. And unfortunately, this is what is happening. Man itna behosh hai, khane ka maja hai, to khaye gaye, khaye gaye, khaye gaye, khaye. Dekhne ka maja hai, to aankhe phaade phaade, dekhi ja rahe, dekhi ja rahe. Match laga ho, cricket match chal raha ho, South Africa mein, Australia mein chal raha ho, aadhi raat tak chalna ho, aankhe gada, neend chod, TV ke saath chipke rehte. इसे हम कहते हैं अति योग। धीर गंभीर और सहज भाव सु गह हरि नाम प्यारा। द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू बिल्ड इन योर कैरेक्टर इज बीइंग धीर। धीर मतलब धीरता, धीरज वाले, बीइंग टॉलरेंट, कोई जल्दीबाजी नहीं। तुम्हें तो जब जल्दीबाजी इतनी है कि खाने में भी जल्दीबाजी, चबाते नहीं है। आज आप एक एक्सपेरिमेंट करिएगा, दोपहर का भोजन खाते समय पर गिन के 32 बार एक एक ग्रास को खाइएगा। च्यू इट 32 टाइम्स, दैट इज हाउ यू शुड ईट। पुट अ मॉर्सल इन योर माउथ, च्यू इट 32 टाइम्स। खाना ही मुसीबत हो जाएगी क्योंकि गलत आदत पड़ी है। जल्दी जल्दी खाएंगे, पेट में जाएगा, पेट को डबल मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आंतों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इस चक्कर में आप शरीर में बहुत सारी तकलीफ़ों को जन्म देते हैं। अपचन, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, फ्लेटुलेंस, डिस्पेसिया, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस ईटिंग टू क्विकली एंड देन ड्रिंकिंग टू मच वाटर विद द फूड। पानी पिए चले जा रहे। ऐसा है, आप आग जलाओ और ऊपर पानी डाल दो, भोजन पकेगा क्या? गैस्ट्रिक जूसेस, एंजाइम्स जो आपके पेट में सीक्रेट हुए हैं, जिनका स्राव हुआ है भोजन पकाने के लिए, वो भी एक अग्नि है, उसे हम पाचक अग्नि बोलते हैं।
आपने भोजन डाला मुंह में, गया पेट में, पेट इज लाइक अ कुकर, अब वहाँ पर खाना जो गया है अंदर उसको, अब उसको पकाया जाएगा और फिर उसको आगे मूव किया जाएगा। सिस्टम तो डाइजेशन कैसे ही चलता है। अब जल्दी जल्दी खाया, मुंह के अंदर जो सलाइवरी जूसेस होते हैं वो ठीक से पूरे मिलते नहीं हैं, पेट में ठीक से पहुँचते नहीं हैं, इसलिए ठीक से पचता नहीं है, इसलिए खाना ही रोग बनाने का कारण बन जाता है। धीर और फिर गंभीर। गंभीर मतलब, हाँ यहाँ किसी का सरनेम गंभीर है तो मैं वो नहीं कह रही वो हो जाओ। गंभीर मतलब ठहरा हुआ, दुख हो गया रोने लग गए, सुख हो गया नाचने लग गए, ये गंभीर होने की पहचान नहीं है। गंभीर होना मतलब यू आर सो सीरीन दैट इफ समथिंग बैड हैपन्स यू आर काम, इफ समथिंग टू गुड हैपन्स यू आर नॉट दैट एक्साइटेड, यू रिमेन नॉर्मल, यू बिहेव नॉर्मली। एक अच्छी चीज मिल गई, 10 लोगों को फोन करके बताता है, हालचाल इधर उधर बात करी, बस यही बताने के लिए फोन किया हमने कार ली है। अब जिसको बताएगा उसको भी चिढ़ा आती, बताओ कार खरीदी तो हम क्या करें, हमको क्यों सुना रहे, हमको क्यों दिखा रहे, वो भी अधूरे चिड़चिड़े लोग होते। और फिर किसी के बारे में ऐसी खबर मिल जाए कि वो तुम्हारे लिए ऐसा कह रहा था, अच्छा अब तो कभी नहीं बताऊंगा इनको मैं, फिर वो फिर दोबारा चिड़चिड़ करेगा, हमें कुछ बताते ही नहीं। रिश्तेदार यही होते, जान खा जाते, बताओ तो जलते हैं, नहीं बताओ तो भी जलते हैं। एक महिला मुझे कह रही थी, हमारे बहुत पुराने प्रेमी हैं वो, तो वो बैठी हुई थी मेरे पास में, कैसा चल रहा जीवन, कहते जी क्या बताए हम तो बड़े परेशान हो गए, कभी कोई रिश्तेदार आके हमारे यहाँ रुका है, एक और रिश्तेदार रुका है, सो मेनी पीपल लिविंग इन होम, होल डे वी आर जस्ट कुकिंग एंड सर्विंग एंड कुकिंग एंड सर्विंग एंड कुकिंग एंड सर्विंग, बड़ी मुश्किल हो गई हमारी तो, हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा आपकी ये हालत सिर्फ 2 फ़ोन कॉल्स में ठीक हो सकती। कहते मतलब, मैंने कहा देख तेरी 2 नंदों के बच्चे आके रह रहे ना, एक एक फोन एयरटेल टू एयरटेल फ्री है, पैसे भी नहीं लगेंगे, सिर्फ एक कॉल करना है कि बच्चे तुमने पैदा किए हैं, मुसीबत हमारे गले क्यों बांध रखी, पहले तेरी माँ की सेवा करी अब इनकी मैं करूँ, मैं बस इतना ही बोलना है, उसके बाद कुछ नहीं करना था। मैं फॉर लाइफ यू विल बी सेव्ड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अनइनवाइटिंग विजिटर्स। तो वह आगे से हंसे जाए ना, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा चल और सिंपल करो, फोन भी नहीं करो, SMS कर दो, और SMS बस इतना करना, वो होता है ना कि एवरी 1 आवर मैसेज पहुंचे, बस ये हर घंटे में वो घंटी बजती रहे, मैं देख तेरे घर की घंटी कभी नहीं बजेगी, सुख से रहेगी। तो गुरु माँ ऐसे थोड़ी होता, मैं मेरे हिसाब से तो ऐसे ही होता है, हम तो आर पार में बिलीव करते, ये बीच वाला मामला इज नॉट गुड, ये तो अच्छी बात नहीं होती। पर आपके मन की आसक्तियां आपको ये करने नहीं देती। मैं पिछले शिविर में भी ये बात कर रही थी कि हाँ मैं तो शुरू से ही ऐसी थी, जब घर में थी तब भी कोई रिश्तेदार आ जाते थे, कोई बुआ कोई चाचा कोई मामा, भाई हमको ना आसमान से टपके हैं, बड़े खानदान है भाई, हाँ बहुत सारे हैं, तो ऐसे घर में आ जाए ना पता लग जाए, आए तो मैं तो निकल लेती थी घर से, मैं अब बाद में गाली खा लूंगी, मैं इनके लिए काम नहीं करूंगी। विषयी संसारी क्रोधी राग द्वेष करने वाले लोगों की चाकरी मैं ना करूं, ना ना ना,
हम नहीं करेंगे इनकी चाकरी। बड़ी डांट पिटती थी, डांट खा लेंगे पर ना। तो मेरे सेटिंग ये थी कि हमारे एक दो जो शिष्य थे वो, उनको मैंने कह रखा होता था तो वो आ जाते थे लेने के लिए कि जी वहाँ सत्संग है और वहाँ सत्संग है और वहाँ सत्संग है और वहाँ जाना है और वहाँ जाना है और बड़ा ज़रूरी है, और ऐसा बस लिए और बस निकल लिए। और फिर रात 9-10 बजे आना, जब वो खाना वाना खा के टीवी देख रहे होंगे तो मतलब मेरा काम हो गया। भाई गाली खाओ, इधर सुनो, इधर निकलो, छुट्टी। दूसरे हमें ये भी पता था जब कोई आपको गाली निकालता है तो वो अपने पुण्य हमें देता है और हमारे पाप वो लेता है, तो चलो ये भी फायदा है, करो, नो प्रॉब्लम। बड़े ढीठ, तो ढीठ नहीं होवे तो जिंदगी कैसे जिए? संसार तो मार देता है भाई।